दरियाए वैशो के किनारों पर कंक्रीट बंड नहीं लगा है, जिसकी वजह से आड़ी गतनू, छमगुड़ और बाकी गांव में सैलाब का खतरा फिर से मंडला रहा है। लेकिन आज लोग खुद ही इस बंड को बनाने में लगे हैं और खुद ही अपने जेबों से पैसे निकालकर इस बंड की तामीर में जुट गए हैं। मेरे पीछे जो इस वक्त काम चल रहा है, ये लोगों के वसातत से, लोगों ने अपने डोनेशन करके ये काम जो हम अपने बल पर कर रहे हैं। लोग यहाँ अपना ये दिन भी देते हैं यहाँ अपनी बारी पर, और इसके लिए हम कोई मुआवजा नहीं देते हैं किसी से, बल्कि हमने अपने जेबों से निकाल लिए हैं ये पैसे। और ये इसमें हमारी कोई मुआवनत किसी और सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी की कोई भी नहीं है। हमारे गाँव में 365 में 240 मकान बह गए, और वो इसीलिए बह गए कि ये जो बांड इन्होंने दिया था हमें, ये उन्होंने पक्का कंक्रीट नहीं दिया था। हमने बार बार पिछले 24 साल से इन्हें बताया कि कम से कम यहाँ पर एक कंक्रीट बांड दिया जाए, जिससे जो हमें कुछ सुरक्षा दे सकता है। लेकिन फिर हमने अपने बल पर, यह हम अपने वसात से खुद काम कर रहे हैं यहाँ, और हम ये कंक्रीट जो आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट खुद काम कर रहे हैं। वह पान वह क्या करो अन्न अपर ये वेषित वेषित पानी कह सरमाया सो कन तो सागन ये हर शरीफ यह बंडस वन चलान यह गाम किस बलबूदस पे चूंकि वन तय प्रारे वह गवर्नमेंटस दी यूत आई ना वनस कह वह गाम मजे कमेटी खड़ा ये जन वन जर क्या चूंकि निज़ाम पकनान यमो यद वसात सतन अर हल शरी रोप कर हर कर् कस्म तरीक ये जो जन बंड वन चलान बिल्कुल गाम किस बलबूदस पे चलान चूंकि सरकार किस बलबूदस पे कह पानी।